Geography chapter 5 A. Previous video we covered up to introduction of air, second topic composition of the atmosphere and third topic oxygen. तो previous video में मैंने आपको 3 topics से समझाए थे. मुझे लगता है कि जो भी topics मैंने आपको समझाए थे वो आपको समझ में आ गए. अब now let us start. Today we will discuss this topic. ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर में ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर. तो प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑक्सीजन के बारे में आपको शॉर्ट में समझाया था. आज मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाना चाहती हूँ. ऑक्सीजन एन अदर प्लेंटीफुल गैस इन द एटमॉस्फेयर इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को O2 भी बोलते हैं. ऑक्सीजन इज अ कलरलेस, आउटडोरलेस एंड टेस्टलेस गैस. ऑक्सीजन कंबाइंस रेडिकली विद अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म देयर ऑक्साइड्स. प्लांट्स एंड एनिमल्स इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर ह्यूमन बींग्स टू ब्रीथ. Hence, oxygen is essential for the origin and survival of life on the earth. Green plants produce oxygen during photosynthesis. In this way, oxygen content in the atmosphere remains constant. The balance gets disturbed because of deforestation of cutting. Nitrogen ke baad atmosphere mein sabse zyada oxygen pai jati hai. ऑक्सीजन इज अ कलरलेस, आउटडोरलेस एंड टेस्टलेस गैस. ऑक्सीजन दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके ऑक्साइड बनाती. क्या बनाती है? दूसरे एलिमेंट के साथ जब कंबाइन करती है तो क्या बनाती है? ऑक्साइड बनाती है. प्लांट्स एंड एनिमल्स इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स और एनिमल दोनों क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं. ह्यूमन को भी ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. ऑक्सीजन के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं. हैंस ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर द ओरिजन एंड सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं. इस तरह से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कॉन्टैक्ट इससे रहता है और यह बैलेंस डिफॉरेस्टेशन या कटिंग ट्रीज के डिस्टर्ब होने से होता है. तो ये आपको बुक नंबर पेज नंबर 119 में ऑक्सीजन साइकिल का पिक्चर बना हुआ है. आप इस ऑक्सीजन साइकिल के पिक्चर को आप अपने नोटबुक में भी बनाएंगे क्वेश्चन के साथ. जो भी मैं क्वेश्चन दूंगी कि राइट द डायग्राम ऑफ द ऑक्सीजन साइकिल, तो आप ये ऑक्सीजन साइकिल का पिक्चर आपको कॉपी में बनाना. अब नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 भी बोलते हैं. थोड़ इट इज वेरी लो इन क्वांटिटी. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेरी सिग्निफिकेंट गैस बिकॉज इट टू मेजर प्रॉपर्टीज. कार्बन डाइऑक्साइड की टू मेजर प्रॉपर्टीज होती है. कार्बन डाइऑक्साइड इज मच डेंसर देन मेनी अदर गैसेस, सो इट इज मोस्टली फाउंड नियर द अर्थ सर्फेस. कार्बन डाइऑक्साइड हैज द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब मोर हीट देन एनी अदर गैस. हैंस इट हेल्प्स टू रिटेन द हीट इन द एटमॉस्फियर एंड कीप्स अस वार्म. यह जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है एटमॉस्फेयर में बहुत कम क्वांटिटी में होती है, लेकिन यह बहुत कम क्वांटिटी में होती है, लेकिन जो यह गैस होती है CO2 होती है, यह सिग्निफिकेंट गैस. कैसी गैस है? सिग्निफिकेंट गैस है. इसके टू मेजर प्रॉपर्टीज़ होती हैं. फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो अदर गैस से अधिक डेंस होती है, डेंसर होती है, इसलिए यह अधिकतर जो होती है अर्थ की सरफेस के पास पाई जाती है. नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड हैज द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब मोर हीट देन एनी अदर गैस.
अर्थ के में कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी भी इंक्रीज हो जाती है। हमारी जो अर्थ है इसमें यदि CO2 थोड़ी भी इंक्रीज हो जाती है तो जो एटमॉस्फेयर का जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दिस में लीड टू मैनी सीरियस कॉन्सिक्वेंस। फोटोसिंथेसिस जो होती है, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के समय जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। जब फोटोसिंथेसिस के कारण जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 ऑब्जॉर्ब करते हैं और सनलाइट की जो प्रेजेंस होती है, जैसे जो सूरज की जो प्रेजेंस होती है, सूरज की जो रोशनी में कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स सारे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और ये क्या करते हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उन सबको क्या करते हैं, और जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एनिमल्स और ह्यूमन अपना फूड प्लांट से ही बनाते हैं। दस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स बेसिस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। गैसेस लाइक ऑर्गन, गैसेस लाइक कौन कौन सी गैसेस होती हैं हमारे जो, गैसेस लाइक ऑर्गन, नियॉन, हीलियम, मीथेन एंड अदर गैसेस आर आल्सो प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। इट इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ये बहुत ही छोटी मात्रा में पाई जाती हैं ये वाली जो गैसेस। नेक्स्ट टॉपिक पर आपको है वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या होता है, पानी की बूंदें। तो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज 2% to 3% ओनली, येट इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर मेकिंग द अर्थ इनटू बायोस्फीयर। वाटर वेपर इज द सोर्स ऑफ रेनफॉल। वाटर वेपर क्या है, रेनफॉल का सोर्स है। रेन इज नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, और प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है, पौधों की ग्रोथ के लिए क्या होता है, रेन बहुत जरूरी होती है। प्लांट सप्लाई फूड फॉर ऑल लिविंग बींग्स, जो प्लांट सप्लाई होती है ऑल लिविंग बींग्स के लिए क्या होता है, फूड बहुत नेसेसरी होती है। हेंस वाटर वेपर इज सिग्निफिकेंट फॉर द ओरिजन एंड सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। तो जो हमारे जो वाटर वेपर का जो अमाउंट होता है एटमॉस्फेयर में 2-3% होता है, लेकिन अर्थ को बायोस्फीयर बनाने में ये बहुत जरूरी होता है, नेसेसरी होता है, सिग्निफिकेंट है। वाटर वेपर रेनफॉल का एक सोर्स भी होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया प्लांट्स की ग्रोथ के लिए रेन बहुत नेसेसरी होती है। तो हैंस वाटर वेपर इज सिग्निफिकेंट फॉर द ओरिजन एंड सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट टॉपिक पर मैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, हमारा जो आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। हमारा 5 लेयर्स में हमारा एटमॉस्फेयर जो है तो डिवाइडेड। फर्स्ट लेयर देखिए आप इस पिक्चर को, लुक एट दिस पिक्चर, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, तो इस पिक्चर में आप देखेंगे कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर क्या होता है, ट्रोपोस्फियर एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ 18 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। इट इज लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फियर। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर। दिस लेयर कंटेन्स मोस्ट ऑफ द डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर। द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, लाइटनिंग एंड रेनफॉल टेक प्लेस इन दिस लेयर। ट्रोपोस्फियर जो होता है अर्थ के सरफेस से 18 किलोमीटर ऊपर तक होता है, यह एटमॉस्फेयर का जो लोवेस्ट लेयर होता है। कैसा होता है, ये एटमॉस्फेयर का लोवेस्ट लेयर होता है। इस लेयर में मोस्ट ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स और जो वाटर वेपर्स होते हैं, इस लेयर में फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, लाइटनिंग और रेनफॉल रहता है। इस लेयर में होने वाले चेंजेस अर्थ में की लाइफ पर भी इफेक्ट डालते हैं। स्ट्रेटोस्फियर जो होता है, स्ट्रेटोस्फियर लाइज अबव द ट्रोपोस्फियर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 18 किलोमीटर to 50 किलोमीटर। द डेंसिटी ऑफ एयर इन दिस लेयर इज वेरी लो। द टेम्परेचर रिमेन्स
कंसेंट थ्रू आउट द लेयर देयर आर वेरी लेस डस्ट पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर दिस लेयर इज फ्री ऑफ एटमॉस्फेयर डिस्टर्बेंसेस जेट प्लेन्स प्रिफर टू फ्लाई इन दिस लेयर तो ट्रोपोस्फीयर के ऊपर क्या होता है स्ट्रेटोस्फीयर होता यह अर्थ के सरफेस 80 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक होता है इस लेयर में क्या होती है इस लेयर में जो एयर की डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है इस लेयर में टेम्परेचर जो होता है कंसेंट रहता है इसे डस्ट पार्टिकल भी नहीं होते इस लेयर में क्या होते हैं डस्ट पार्टिकल नहीं होते यह लेयर एटमॉस्फेयर डिस्टर्बेंसेस से फ्री होता है इसलिए जेट प्लेन्स इस लेयर में फ्लाई करना अधिक प्रेफर करते हैं ओजोन लेयर से इज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन लेयर 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर में पाई जाती है ओजोन लेयर एब्जॉर्ब द सन्स अल्ट्रावायलेट रेज एंड प्रिवेंट्स फ्रॉम रीचिंग अर्थ अल्ट्रावायलेट रेज लिविंग बीइंग के लिए हार्मफुल होती है स्किन कैंसर जैसी डिजीज भी इसी के कारण होती है नेक्स्ट टॉपिक है मेसोस्फीयर क्या होता है यह स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर होता है किसके ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर होती है और अर्थ सरफेस से 80 किलोमीटर तक होती है थर्मोस्फीयर अर्थ सरफेस से 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक होती है इसमें हाई टेम्परेचर होता है यहाँ पर एटम्स सोलर रेडिएशन से परमानेंटली हीटेड होते हैं इस लेयर में मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम गैसें होती हैं थर्मोस्फीयर के लोअर पार्ट में आयंस होते हैं इसलिए थर्मोस्फीयर के लोअर पार्ट को आयनोस्फीयर भी कहते हैं क्या कहते हैं आयनोस्फीयर कहते हैं किसके थर्मोस्फीयर के जो लोअर पार्ट होता है उसको रेडियो स्टेशंस से ब्रॉडकास्टेड प्रोग्राम्स को एटमॉस्फेयर में सेंड किया जाता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होते हैं इन्हें आइंस के द्वारा अर्थ में वापस रिफ्लेक्ट किया जाता है इस तरह से हम रेडियो प्रोग्राम जितने भी होते हैं उसको सुन सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट है एक्सोस्फीयर दिस लेयर स्प्रेड्स बिहाइंड थर्मोस्फीयर अ वेरी थिन एयर इज फाउंड हियर लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर एक्सोस्फीयर मर्ज विद स्पेस एक्सोस्फीयर जो होती है मर्ज विद स्पेस थर्मोस्फीयर के ऊपर क्या होता है एक्सोस्फीयर होता है यहाँ पर बहुत थिन एयर होती है लाइट गैसेस जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन इसमें फ्लोट करती है और यह स्पेस से क्या होता है कनेक्ट होता है तो मैंने आपको अभी जो टॉपिक समझाया है मुझे लगता है कि आपको सभी टॉपिक समझ में आ गए होंगे और आप लोग इन टॉपिक्स को अच्छे से वॉच करिएगा वीडियो को अच्छे से देखिएगा एक दो पॉइंट्स और मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ द क्वेश्चन अगर आता है व्हाट इज़ द एटमॉस्फेयर तो आंसर क्या होगा द स्फीयर ऑफ गैस विच सराउंड द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द प्रपोज स्ट्रेटोस्फीयर ए नैरो बाउंड्री दैट सेपरेट्स द मेसोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर तो आप लोग ये जितने भी टॉपिक्स हैं इसको अच्छे से वीडियो पूरा फुल वीडियो देखकर उसको वॉच करिएगा और क्वेश्चंस के आंसर्स जो मैं सेंड करूँगा उनको अच्छे से लर्न करिएगा थैंक यू बच्चों